अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था डेटाबेस क्या होता है और उस डेटाबेस को डेवलप करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अगर आपने नहीं देखी तो करनी, वो वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आए। सो सिक्स फेजेस ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सिक्स फेजेस चाहिए होते हैं डेटाबेस को डेवेलप करने के लिए। हर चीज को डेवलप करने के लिए कुछ स्टेजेस की जरूरत पड़ती है। इसी तरह डेटाबेस को भी डेवलप करने के लिए सिक्स फेजेस की जरूरत है, और वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज एनालिसिस, थर्ड इज डिजाइन, फोर्थ इज इम्प्लीमेंटेशन, फिफ्थ इज टेस्टिंग, एंड सिक्स इज मेंटेनेंस। चले डिस्क्रिप्शन इसके मैं आगे आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज में क्या होता है, चले एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं कि हम लोगों ने घर बनाना है, इस जगह बनाना, ये डिसाइड है, लेकिन प्लानिंग इसकी क्या होगी कि इतने रूम्स होने चाहिए, इस जगह एक एक रूम होना चाहिए, इस जगह किचन होना चाहिए, ये जो है मेरी सारी प्लानिंग है। टीवी लॉन्च होना चाहिए, जो ये जो है ये मेरी सारी प्लानिंग है। इसी तरह अगर डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस में प्लानिंग फेज क्या होता है, पढ़ते हैं। दिस फेज स्टार्ट व्हेन अ कस्टमर रिक्वेस्ट टू डेवलप अ सिस्टम। This phase include various activities. Identify the resources needed to develop the system. Identify the time limit for the completion of system. Problem is seen on broader basis. इसका मतलब है कि planning phase कब start होता है, जब client आया और उसने कहा मुझे ये वाला software बना के दे, उसके बाद मेरी planning start होगी। क्लाइंट के सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी रिसोर्सेस मुझे चाहिए, मुझे कितना टाइम लगेगा, क्लाइंट के टाइम लिमिट क्या है। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, कितना टाइम लगेगा, उसकी उसका स्केड्यूल मेंटेन करना है। ये जो सारी चीजें हैं ये इस फेज में मैंने सारों को प्लान करना है। और जो जो भी प्रॉब्लम आएगी कि इतना बजट यूज होगा कि नहीं, जितना मुझे क्लाइंट ने कहा है, क्लाइंट कहता है कि मैंने इतना बजट देना है, आप इतने बजट में मुझे तैयार करके दें, होगा या नहीं होगा, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ये इस फेज में मुझे फेस करनी है। द सेकंड फेज इज एनालिसिस फेज। एनालिसिस हमेशा जो बनी हुई चीज होती है उस पर एनालिसिस किया जाता है। एनालाइज एंड यूजर नीड्स। द एनालिसिस फेज यूज्ड टू स्टडी द करंट सिस्टम। द डेटा इज कलेक्टेड अबाउट सिस्टम टू बी डेवलप्ड। द कलेक्टेड डेटा इज एनालाइज्ड एंड द एनालिसिस रिपोर्ट इज क्रिएटेड। हम करंट सिस्टम में डेटाबेस में हम करंट सिस्टम में अपने जो है करंट सिस्टम को सबसे पहले तो है एक उसे स्टडी करेंगे, ब्रीफली स्टडी करेंगे, और उस पर चीजें जो है अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। यूजर की नीड्स कि यूजर ये चाहता है तो मैं करंट सिस्टम में अगर ये चीज अप्लाई करूं तो क्या रिस्पॉन्ड मुझे मिलेगा। फिर मैंने द डेटा इज कलेक्टेड अबाउट सिस्टम, मैंने फिर नए सिस्टम का जो डेटा है वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देना है, और उसको फिर एनालाइज करना और एक एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो क्रिएट करनी है। इस फेज की तीन जो है मेजर एक्टिविटीज हैं जो मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन नीचे क्या है, स्टडी द करंट सिस्टम, डिटरमाइन द यूजर रिक्वायरमेंट्स, रिकमेंडेड अ सुटेबल सॉल्यूशन। प्लानिंग हो गया, डेटाबेस को प्लान कर लिया, ये चीजें चाहिए, एनालाइज कर लिया। अब डिजाइन फेज। डिजाइन फेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज। 70-60% काम इधर हो जाता है। इन दिस फेज द मॉडल ऑफ द सिस्टम इज प्रिपेयर्ड, द मॉडल ऑफ द सिस्टम इज प्रिपेयर्ड, द रिक्वायरमेंट इज कलेक्टेड इन एनालिसिस फेज इज ट्रांसलेटेड इनटू लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। इस फेज में हम लोग एक मॉडल तैयार करते हैं, और वो मॉडल तीन किस्म के होते हैं, कौन कौन से, कॉन्सेप्शन मॉडल, लॉजिकल मॉडल, फिजिकल मॉडल। कॉन्सेप्चुअल जो मॉडल होता है इसमें हमारे पास क्या होता है जी, एंटिटीज होती हैं, और उसका आपस में एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप होता है ना, हमें पता होता है कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या है। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं होती, इसके लिए सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल इतने खास नहीं है, ये इजीली पेपर पर ड्रॉ हो सकता है मॉडल डिजाइन। लॉजिकल मॉडल क्या है, लॉजिकल मॉडल में ERD डायग्राम आ जाती है, प्रॉपर एंटिटीज, उनके एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर रिलेशनशिप। फिजिकल मॉडल में क्या होता है, फील्ड्स आ जाती है, रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, इसमें जो होता है ये बहुत हाईली डिस्क्रिप्शन इसमें होती है। हाईली डिस्क्रिप्शन मींस के जो एंड यूजर होता है वो इजीली इसे रीड नहीं कर सकता विदाउट ट्रेनिंग, लॉजिकल को वो इजीली रीड कर सकता है। इसलिए हम जो मॉडल तैयार करते हैं
अकॉर्डिंग टू डेटाबेस को डेवलप करने के लिए वो हम एंड यूजर को जो देते हैं वो लॉजिकल मॉडल होता है, क्योंकि इसकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जिस तरह शॉपिंग मॉल है मेरा डेटाबेस है, तो अगर इसमें एक अच्छा शॉपिंग मॉल की एग्जांपल ले लेते हैं. शॉपिंग मॉल है, मैंने हम फिजिकल मॉडल में शॉपिंग मॉल में मैं स्पेस नहीं दे सकती, लेकिन मैं लॉजिकल मॉडल में दे सकती हूँ. तो इजीली शॉपिंग मॉल में पढ़ सकती हूँ, लेकिन फिजिकल मॉडल में मैं नहीं दे सकती. तो ये थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट हो जाती है. इंशाल्लाह इस तीन पॉइंट्स पर मैं तीन मॉडल्स पर आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी, डिस्क्रिप्शन आपको दूंगी नेक्स्ट वीडियो में. द फोर फेज इज इम्प्लीमेंटेशन फेज. इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या होगा, प्लानिंग हम लोगों ने डेटाबेस की कर ली है, उसको एनालिसिस भी कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, उसका डिजाइन भी तैयार कर लिया. डिजाइन के बाद हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करना. इम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनल डिजाइन इज इम्प्लीमेंटेड, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS इज इंस्टॉल्ड, द डेटाबेस आर क्रिएटेड. डेटाबेस को क्रिएट करना है और डेटा उसमें लोड कर देना है, कर दिया है. ठीक है, अब हम लोगों ने डिजाइन कर लिया, डिजाइन में हम ERD बना चुके हैं. अब ERD को हम लोगों ने एज अ टेबल में इम्प्लीमेंट करना है. इंशाल्लाह मैं आपको ERD भी बनवाऊंगी, बनवाना सिखाऊंगी, और टेबल्स में किस तरह टेबल्स में हम लोग अपने डाटा को पुट करते हैं, किस तरह टेबल्स बनाते हैं, ये भी आपको सिखाऊंगी. अब इम्प्लीमेंटेशन फेज में हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो गया, रेडी हो गया. उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है जी, टेस्टिंग फेज. बिफोर डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने टेस्ट करना है. टेस्टिंग फेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग अ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर. इसमें हम लोग चेक करते हैं द टॉलरेंस ऑफ अवर सिस्टम, वी चेक द एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल वैल्यूज. ये कौन कौन सी जो वैल्यूज हैं हमारा सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन सी नहीं, क्या यूजर को, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज यूजर नीड्स, क्या यूजर की नीड्स रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है कि नहीं, ये हम देखते हैं. टेस्ट कर लिया, ये बहुत बड़ा फेज होता है टेस्टिंग का. टेस्ट कर लिया, अब हम लोग ने करना है डिप्लॉयमेंट. मार्केट में डिप्लॉयमेंट कर दिया, एंड यूजर को दे दिया, वो यूज करने लग पड़ा है. द लास्ट फेज इज मेंटेनेंस. मेंटेनेंस में क्या होगा, अब यूजर यूज कर रहे हैं, मार्केट में हमारा सॉफ्टवेयर अवेलेबल, सारे यूज कर रहे हैं. मेंटेनेंस फेज में क्या होगा, अब हम अपने सिस्टम को मोनिटर कर रहे होंगे साथ साथ, टाइम बाय टाइम, के कहीं अपडेटिंग तो नहीं हो रही हमारे सिस्टम की, किस मेरे सिस्टम को कोई मेरे सिस्टम में बैकअप में, मेरे सिस्टम में बैकअप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, इसकी सिक्योरिटी मेंटेन है कि नहीं, सिक्योरिटी में अपडेटिंग चाहिए कि नहीं. चले पड़े मेंटेनेंस गोज अलोंग विद टाइम मॉनिटरिंग बैकअप सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम, मोनिटर करेंगे ये चीजें. अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग द डेटाबेस When required, जब भी डेटाबेस को जरूरत होगी हम उसमें अपडेटिंग करेंगे. ठीक है गाइस, आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी. सिक्स फेजेस होते हैं, कौन कौन से, प्लानिंग हम लोगों ने अपने डेटाबेस की कर लिया, उसको एनालाइज करना है, फिर उसका डिजाइन बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, फिर इसकी टेस्टिंग करनी है. टेस्टिंग में के बाद हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे एंड यूजर को दे देंगे, उसके बाद मेंटेनेंस मेंटेन करते रहेंगे. आई थिंक सो गाइज आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको समझ आ गई होगी तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेटाबेस के जो डिजाइन का फेज है उसमें तीन मॉडल्स थे, कॉन्सेप्चुअल मॉडल, फिजिकल मॉडल, लॉजिकल मॉडल, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. थैंक यू.